अपनी फिटनेस के लिए एक छोटा सा स्टेप सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हाय गाइस, अनलर्न विद एमजी में आपका फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे थे प्री डायबिटीज और डायबिटीज के बारे में, उसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने दो वीडियोस ऑलरेडी इस चीज पे बनाए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप उसकी लिंक क्या है आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या क्या चीजें को आपने परहेज करना चाहिए। कभी कभी कुछ सीखने के लिए कुछ भूलना भी पड़ता है। तो अगर आप प्री डायबिटिक है तो जैसे कि मैं बता दूं कि कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए। आप होल ग्रेन्स में आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, होल ओट्स खा सकते हैं, किनवा खा सकते हैं, बकवीट या फिर कुट्टू का आटा जिसे कहते हैं वो आप खा सकते हैं। उनसे बनी रोटी या राइस के हिसाब से अगर आप ब्राउन राइस लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। अगर फ्रूट्स में हम देखा जाए तो आप पपाया खा सकते हैं, जामुन खा सकते हैं, एप्पल, पोमग्रेनेट, अनार आप खा सकते हैं और बेरीज खा सकते हैं आप, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, अकाई बेरी है, ये आप खा सकते हैं। आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज जब आपके आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक आप होते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रहा होता है, राइट? आपके पैनक्रियाज में भी शायद इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है, तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आप वॉलनट्स खा सकते हैं, अखरोट, आप फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, चिया सीड्स खा सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सैल्मन फिश भी खा सकते हैं, ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हैं। और आप हाई प्रोटीन फूड आपको लेना चाहिए, ना कि हाई कार्बोहाइड्रेट फूड। तो आप नट्स ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन अगर हैं तो आप चिकन या पोल्ट्री ले सकते हैं, एग्स जैसे कि, और आपको लो फैट डेरी आप ले सकते हैं। और आपको कौन से फूड नहीं लेने चाहिए, सो आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका हो वैसे फूड्स नहीं लेने चाहिए कि जो आपकी बॉडी में जाके तुरंत ही आपका ग्लूकोज, ब्लड का ग्लूकोज जो है उसको स्पाइक कर देती है। ऐसे फूड जो होते हैं वो आपको नहीं लेने चाहिए, जैसे कि आपको ब्रेड है, मैदा है, शुगर, वाइट राइस, आपको जंक फूड जो है पिज़्ज़ा, पास्ताज, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए, टिक्की या पकोड़े, ये सारी चीज़ें जो हाई ट्रांस फैट जिसमें होता है वो भी चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। आपको फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, तो आप वाटरमेलन आप अवॉइड करें, मैंगो अवॉइड करें, चीकू भी अवॉइड करें, आपको डेट्स और फ्रूट जूसेस, जो कैन जूसेस वगैरह जो आते हैं जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स या बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है आते हैं वो भी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको प्रोसेस्ड एरेटेड बेवरेजेस आपको नहीं लेने चाहिए, आपको फ्रूट सिरप्स वगैरह नहीं लेने चाहिए, डेयरी का रिस्ट्रिक्टेड आपको इनटेक करना है। आप योगर्ट वगैरह ले सकते हैं, बट आप उसमें जो एडेड शुगर की मात्रा है वो आप जान लें, पहले आप अपना न्यूट्रिशन लेबल चेक करें, उसके बाद ही आप उस प्रोडक्ट को खरीदें। आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पानी आपको 3 से 4 लीटर दिन में ज़रूर पीना है, और फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो आपकी रेजिस्टेंस है, जो आपका बॉडी में पावर है, जो आपकी ये चीज़ों से लड़ रहा है, वो डेफिनेटली कम होते जाएगा दिन ब दिन। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेफिनेटली इंक्लूड करनी चाहिए अपने रिजीम में, और उससे क्या होगा कि आप अपना जो फैट परसेंटेज है वो फैट परसेंटेज बॉडी में अगर आप कम कर लेते हैं, सिर्फ वजन घटाने की बात नहीं है,
हमने बहुत सी बार हमने बताया है कि वजन आपका ज्यादा है, आपने बहुत जगह सुना भी होगा, लेकिन इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लीन बॉडी मसल मास है जो आपको वो बढ़ाना है, और आपको फैट परसेंटेज जो आपका बॉडी में है उसे घटाना है। तो आपका जो वजन है वो फैट का वजन कम होना चाहिए, ना कि मसल मास का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर एक इंडिविजुअल के लिए, बट अगर आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमने बात की आपके खाने के बारे में, आपकी एक्सरसाइज के बारे में, और पानी, और चौथी चीज है स्लीप। जी हाँ, स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चारों चीज का बैलेंस आपको बना के चलना है, तभी आप इस डायबिटिक को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है तो उसे कंट्रोल में लाने के लिए ये चारों चीजों का बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना है। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, और हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम डाइट प्लान के बारे में भी बात करेंगे। तो तब तक आपने अगर हमारे और वीडियोज नहीं देखे हैं इन सीरीज में, तो आप इन लिंक पे क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं, और ये सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार मिलते हैं अनलर्न विद MG में। थैंक यू सो मच।